चूंकि थोड़ा सा आप यहाँ पर कलाकार भी हैं और दर्शक भी हैं, सुनने वाले भी हैं, सब प्रभु जनमानस है, तो जब ऐसे लोग रहते हैं कुछ ना कुछ सुनने सुनाने की इच्छा होती है। कोई फंसने फंसाने वाली बात नहीं, बिल्कुल सीधा साधा सा गीत। मंजू जी सुनिएगा, आपने ये गजल बहुत सुनी होगी, बहुत फेमस गजल है। विश्वकर्मा जी, पुनः एक किस पत्र मुद्रा है, सादर प्रणाम भैया को। ये तो गजल में गुलाम अली साहब ने कहा, लेकिन सुनिएगा, अभी बहुत दिन पहले नहीं, जन्माष्टमी का पर्व गया है, तो एक खंड गीत सुनिएगा। सुने प्रभु जी, सिर्फ शब्दों का फेर है बस। कन्हैया जी, सखियों का झुंड चला जा रहा है, सर पे दही का मटका रखे, दही का मटका रखे, सखियों का झुंड चला जा रहा है दादा। और कन्हैया जी, श्रीदामा से कहे जाकर के पता करो इसमें कहीं राधे रानी है। श्रीदामा ने कहा, कन्हैया अब बस करो, अभी कल ही तुमने माता यशोदा से मुझे पिटवाया था, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से परेशान है पूरा गोकुल, और अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाकर के पता करो। कन्हैया जी है और सखियों से कह रहे हैं, कि ये कौन जा रही है, ये कौन जा रही है, मटकी पे धरे मटकी। अगर अगली बात पसंद आवे तो आशीर्वाद चाहूंगा, कि मटकी पे धरे मटकी जाए ये मटकी मटकी। धन्यवाद। तो ये कौन जा रही है मटकी के घरे
कभी घट संभाले परेशान हो गए। रंजीत भैया, मैंने ऐसी कोई धुन नहीं गाई है जिसमें आपको फंसने फंसाने वाला मामला नजर आ रहा हो। ये क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी को फंसने फंसाने वाला मैटर कुछ दे, क्योंकि यदि कोई फंसने फंसाने वाली धुन देंगे तो मामला एक तरफ नहीं दोनों तरफ से बिगड़ जाता है। तो हम लोग ऐसा कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, और ना ही मैंने ऐसी आपको कोई धुन दी है जिसमें आपको परेशानी पैदा हुई है। अब इतनी सरल और शुद्ध धुन है जिसमें आपको परेशानी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? लोग खुद ही मसलाते हैं। भैया मैं बढ़ाई है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चूंकि एक बात और आपने कही है, मैंने आपके गाने का जवाब दिया है, मैंने कहा कि दूषित अन्न खाने के कारण उनका मन जो बिल्कुल चुपचाप रहे, वो बोल नहीं पाए, इसी कारण बस वो अपनी पत्नी को दाव पर रख दिया है। आप कह रहे हैं मंजू जी पांडवों ने दूषित अन्न नहीं खाया है। अच्छा श्रीमान जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं गाया है तो उन्होंने क्यों अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया है? ठीक है श्रीमान जी, ये कहावत है कि जहां बड़े बैठे वहां छोटे ज्यादा बोलते नहीं है। बस इसी कारण बस वो अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया। जब बड़े नहीं बोल रहे हैं तो विचार कर रहे हैं, जब इतने बड़े बड़े धरंधर बैठे हैं, भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभी लोग बैठे हैं, जब ये लोग कुछ नहीं कह रहे तो हम लोग क्या कह सकते हैं? लेकिन आपको बात हजम नहीं हुई है। कोई बात नहीं, आपने कहा कि व्यक्ति अपने गाने में गिना देता है, इसमें राशि लगी है। मेरे गाने में एक ही पात्र है, अगर जवाब की ओर निहारो तब लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही पकड़े हो, क्योंकि मैंने तो बता दिया कि मेरे गाने में एक राशि है, कुंभ राशि, एक ही पात्र है केवल अर्जुन। चूंकि हम लोग छक्कर बार नहीं करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया था, और जो बताते नहीं है वो छक्कर बार करते हैं, वो गायक कहते हैं, हम लोग बता देते हैं, छक्कर बार नहीं करते। मैंने बता दिया मेरे गाने में एक ही राशि है कुंभ राशि, एक ही पात्र है अर्जुन। जब इतना बताने पर आपका जवाब नहीं आया है तो बताइए, अगर बताते नहीं तो फिर क्या होता? क्या होता? मेरा गाना बहुत लहा था कि सैया बनाई सर की करिश्मा दिखाया है, ऐसा करिश्मा आज तक कोई कर ना पाया है। जैसा अर्जुन ने बाणों की सैया बनाई स्वर्ग से धरती तक, बताइए ऐसा किसी ने बनाई आज तक? सीढ़ी सर, सर का निर्माण कर दिया, पुल का निर्माण कर दिया, किसी ने नहीं कर पाया, बाणों का पुल नहीं बना पाया। भीष्म पितामह के लिए सर सैया बना दी बाणों की,
दूसरा किसी ने नहीं बनाई है। आपका जवाब आया है, बोले मंजू जी, अर्जुन ने कहा, भीम ने अपने दरवाजे का चंदन निकाल करके दे दिया, दरवाजा कर्ण ने अपना दरवाजा गिरा दिया, चंदन निकाल के दे दिया। अर्जुन रंजीत भैया जवाब लिखा किसने? बहुत बढ़िया लिखा, आनंद आया। दरवाजा नहीं गिराया, यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे कीर्तनकार विराजमान है, हमारे दादा प्रीतम पागल जी विराजमान है, तमाम कीर्तनकार विराजमान है। कर्ण ने अपना दरवाजा नहीं गिराया, कर्ण का जो चंदन था वो कर्ण के सिंहासन में लगा हुआ था, और कर्ण ने वो सिंहासन से निकाल करके चंदन दान किया है, कर्ण ने दरवाजा नहीं गिराया। कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा करिए। और ये इन्हीं तर्क पर 51 पत्र मुद्राएं हैं, आप भैया विकास शुक्ला दरियागंज नसीमापुर से पढ़ा रहे हैं, आप इन्हीं पंक्तियों पर आए हैं कि ये बात सत्य है, कर्ण ने सिंहासन से और जो इस चंदन निकाला था अपने दरवाजे से नहीं। और ये 21 मुद्राएं हैं, आप है सुरेश सिंह धामापुर से पधारे हैं, पता से आपको धन्यवाद है, शुभवाद है। तो कर्ण ने दरवाजे से नहीं सिंहासन से चंदन निकाल के दिया है भाई भैया। और इसमें राशि कहाँ है श्रीमान जी? फिर आपकी पत्नि बोल रही है कि कर्ण ने दांत से सोना निकाल कर दे दिया, तो श्रीमान जी दांत से सोना निकाल कर दे दिया कि दांत ही तोड़ कर दे दिया? और ये 51 पत्र मुद्राएं हैं, आप भैया लव कुश विश्वकर्मा जी जगदीशपुर से बधा रहे हैं, हृदय से धन्यवाद है, शुभवाद है। दांत से सोना निकाल कर दिया है कि दांत ही तोड़ कर दे दिया है? दांत तोड़ कर दे दिया, निकालते रहो। क्या बात है, चलिए कोई बात नहीं, शुक्र है, और बढ़िया है। एक टुकड़ा दिया, उस टुकड़े की धुन तो ठीक है, धुन की हम कुछ नहीं कहेंगे, धुन तो जो है वो सभी मालिक भगवान ही मालिक है, क्योंकि मेरा टुकड़ा बोल रहा था कहा पर लाते नहीं है, लेकिन जो मेरे गाने में चल रहा था, केवल गाल एक अंगलिया मैंने गाल में सब कुछ दिखाया है, आप कह रहे हैं मस्तक से ब्रह्मा जी ने ये कर दिया, मस्तक से ये हो गया, मस्तक से वो कर दिया, भाल में आपकी भक्ति बोल रही है, आपने सितारा भी न्यारा देखो भाल में, चार वेदों को निकाला भाल में, तमाम चीजें भाल में लेकर आए हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि दुनिया है काल के गाल में, काल है बजरंग के गाल में, और बजरंग देखो सुरसा के गाल में, ये कोई बात नहीं, सुंदर है, बढ़िया। और ये इसी तर्क पर 101 पत्र मुद्राएं हैं, आप भैया कुरुकांत टेंट वाले खजरी चौराहा आप कोर से आए हैं, हृदय से आपको धन्यवाद है, शुभवाद है, सुने रहा है। रंजीत भैया उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो कि दूसरों के घर में उजाला नहीं करते। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं
नहीं कहते हैं, हम लोग टीका टिप्पणी ज्यादा नहीं करते हैं, हम जो है ठीक है सब बढ़िया है, शुक्रिया। आपको एक सोना सी गजल आई है वो आपकी लाजवाब है, बहुत बढ़िया है। और थोड़ा माइक माइक का ट्रेवल बढ़ा के वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, इसका बेस हटा दीजिए, माइक माइक का आवाज बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो, ये बात एक सुंदर सी गजल आई आपकी ओर से, हम लोग तो निकल जाएंगे लेकिन आपको परेशानी पैदा हो जाएगी। सवाल आया है, आपने कहा कन्हैया देख रहे हैं, एक धोती जा रही है मटकी के ऊपर मटकी रखे हैं, वो मटकती हुई जा रही है, सुंदर सा सवाल है आपका, आइए समय के साथ जवाब सुनेगा। उधर एक सुंदर सी गोपी है, मथनी मतानी में दही मथ रही है, नीचे सुंदर मटकी है उसमें सुंदर मथानी है, सुंदर सी गोपिका वो मथानी को मथ रही है, सुनेगा सुनेगा। और ये बहुमूल 501 पत्र मुद्राएं हैं, आप है भैया सोएब अध्यक्ष, सोएब अहमद प्रधान खजुरी चौराहा, आप गौर से भैया गौर से ये 501 पत्र मुद्राएं हैं, हृदय से आपको धन्यवाद है, हृदय से आपको धन्यवाद है, सुनेगा। वो मथानी मत रहिए दादा, तुम पागल नहीं, जवाब सुनेगा, कहना है कहा कि ये कौन गोपिका है ओए मटकी के ऊपर मटकी, मटकी नहीं मटक रही है क्योंकि मटकी में मथानी है,
गोपिका पटक रही है गाना, सोच रहे हैं कहा मटके नीचे मटके Oh,